पौधा है, देखिए केला। वो हमें व्हाइट कलर का नहीं दिखाई थी, आप लोग को येलो कलर का देखिए दिखाई थी। चास्के है, देखिए आलू भी है यहाँ। छोटा सा कुआं है और ये है मेथी की भाजी। देखिए ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। मुझे अंकल उठा के दे रहे हैं हल्दी। थैंक यू अंकल। देखिए दोस्तों, मैं अभी भेरा में हूँ और भेरा में बहुत चासी लोग हैं और बहुत सब्जी लोग बहुत चास करते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ का चास कैसे करते हैं मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ का एक क्या है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये है यहाँ का सबसे छोटा सा तालाब, और इसको देखकर मुझे डिस्कवरी की जो ये मगरमच्छ का नहीं रहता है क्या, ऐसे ग्रीन कलर का पानी और एक पेड़ रहता है। देखिए ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा है। दिन में हूँ तो इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। देखिए कितना पानी है, कैसा दिख भी रहा है, और ऊपर और थोड़ा सा पानी रहता है और मगरमच्छ रहता है तो आप इसमें चढ़ सकते हैं। पेड़ भी है, देखिए दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, और बहुत सारा है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा जंगल है यहाँ। और ये है मेथी की भाजी, और यहाँ कैसे चास करते मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पानी जा रहा है, देखिए आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा। और नहीं, यहाँ क्या क्या सब्जी लोग चास करते हैं मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जो मैं आप लोग को जो खेत दिखाने वाली हूँ, ये अंकल का खेत है। देखिए वो बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत चासी भी करते हैं, और आंटी भी हम उनके साथ है। देखिए आप लोग को दिखता होगा, आंटी कुछ पकड़ के खेती का कर रहे हैं, और अंकल बहुत मेहनत करते हैं और उन लोग को बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं। उससे और कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना ज़्यादा मेहनत करके कोई लोग माँ बाप तो नहीं पढ़ाते हैं, अंकल तो पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे लोग भी समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उन लोग भी। अभी मैं बात की अंकल से तो अंकल बता रहे थे मुझे, अंकल आप कितने साल हो गया है ये चास कर रहे हो जो? हमारा तो बचपना से। आपका नाम? यत्राम पटेल। और अंकल का गांव भेरा से ही है, बहुत पास ही है। मैं अभी भेरा में हूँ तो मैं यहाँ अंकल क्या क्या सब्जी चास किए हैं मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है, चलिए मैं पानी कहाँ से आ रहा है ये चेक भी करती हूँ। और कहाँ यहाँ का टैंकर है, बहुत बड़ा खेत ये यहाँ खेती कर रहे हैं। मैं आप लोग को यहाँ पानी कहाँ चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है वो दिखा देती हूँ, और सब जगह दिखा दूंगी यहाँ का। ये छोटा सा कुआं है और यहाँ से टैंकर चालू किए हैं, और यहाँ तो बहुत ही डरावनी जगह है। देखिए यहाँ का पेड़ लोग आपको देखकर ही अजीब लग जाएगा। देखिए पानी वहाँ से जा रहा है, यहाँ टैंकर लगाए हैं। और ये है धनिया पत्ता, देखिए करेला का भी है, और पपीता भी और नहीं है, पपीता भी है, आम का पेड़ भी है, और अंकल लोग आलू भी चास किए हैं। देखिए आलू भी है यहाँ, और मेरे मुंह से और बहुत निकलता जा रहा है। देखिए गोभी की चास किए हैं, और वहाँ बरबट्टी भी है। देखिए गोभी कैसे फलता है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है गोभी और ये है गोभी का पत्ता, देखिए छोटा छोटा सा गोभी निकला है, बहुत सारा। चास करते हैं मैं आप लोग को बहुत सारा दिखा दूंगी। आज का वीडियो तो आप लोग को देखकर मज़ा ही आ जाएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा ये। और एक नया चीज़ है कि ये सरसों का है, देखिए पत्ता दिख रहा है, और सरसों वो हमें व्हाइट कलर का नहीं दिखाई थी, आप लोग को येलो कलर का देखिए दिखाई थी, और यह मैं व्हाइट कलर का देख रही हूँ तो आप लोग को मैं पहली बार देख रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए
चलते हैं आगे। ये यहाँ देख रहे हैं, ये पत्ता में कौन सा कला 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 का दिख रहा है, ये भाटा है देखिए, ये जो पिंक कलर का बैगन कलर का भाटा ही है, बहुत सारा भाटा है यहाँ। और ये है केला, केला का पौधा है देखिए, केला अभी देखिए छोटा, ये अभी निकल रहा है केला, देखिए कैसा हो गया है। और ये है पपीता, देखिए। और यहाँ भी गोभी चास के हैं, कितना सारा है। बारिश के मौसम में यहाँ आने तो बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ बहुत अच्छा फोटो भी खिंचवा सकते हैं आप। और ये क्या क्या किए हैं, बहुत सारा यहाँ भी कमाए हैं, खेती लगाए हैं, बहुत सारा है यहाँ, बहुत से भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ कुछ खाना बना रहे हैं, तो मैं आप लोग को खाने का दिखा देती हूँ। देखिए चूल्हा, चूल्हा जो है ये अंकल आंटी कुछ खाना बना रहे हैं। और ये है हल्दी, कच्चा वाला हल्दी है, इसको लगाने से फेस अच्छा रहता है। और देखिए यहाँ प्याज भाजी किए हैं, देखिए कितना एक एक बूंद बूंद के लिए निकलता है। और यहाँ भी किए हैं, ये जो बहुत छोटा छोटा है। और यहाँ देखिए धनिया पत्ता भी उगा है। और ये कौन सा चास कर रहे हैं, लाल भाजी है, चौलाई भाजी है। ये मूला भाजी है, चौलाई भाजी है, ये सब चास कर रहे हैं। तो अंकल पानी दे रहे हैं देखिए, वो नाला कर दे हो नाला। ये ऐसे स्टोर करके रखते हैं। और वहाँ क्या है, बीज, और उससे बहुत दूर वहाँ बीज, बीज की खेती क्या है। ये है बीज, यहाँ बीज भी खेती करते हैं। देखिए कितना सारा यहाँ पानी दे दिए हैं, बहुत अभी भी खाली है, तो उसको अभी चास कर रहे हैं यहाँ। हे दोस्तों, मुझे तो कच्चा हल्दी के बारे में इतना ज़्यादा सुनी हूँ, तो मुझे लगा यहाँ से प्योर ले लेती हूँ, तो मैं आंटी को मांगी हूँ, तो मुझे दे दिया है, तो मुझे बहुत खुश लग रहा है। तो मैं, मुझे आंटी अभी देंगे यहाँ का हल्दी, मुझे अंकल उठा के दे रहे हैं हल्दी। थैंक यू अंकल, देखिए कितना सारा दे दिया है, गिर गया है। ये कच्चा हल्दी फेस में भी लगाते हैं, लगाते हैं। थैंक यू अंकल। तो अभी दोस्तों मुझे दे दिया है, तो मुझे इसको बैग में डाल देती हूँ। यहाँ आप लोग खेती करते हो तो कमाई होता है बहुत? उतना तो कमाई नहीं होता है, हमारा बाड़ी तो छोटा है, लेकिन हम तो कुछ अब पहले से भी कर नहीं पाया ना। बाप दादा करते थे बाड़ी, तो आप लोग भी वही कर रहे हो, याद नहीं रहेगा पढ़ाई का। लेकिन हमारा लड़का को, बच्चा को गैरेज वार किया तो अच्छा चल रहे हो। गैरेज, गैरेज खुले हैं? नहीं नहीं, मैंने बीए फाइनल किया है। लड़का, लड़का तो ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना पढ़ाई नहीं किए कि खेती बाड़ी कर रहे हो और ये पढ़ा रहे हो। तो वो भी आप लोग का है ना? मेरा भाई का है। यहाँ से बस आपका, यहाँ तक यहाँ से बरबटी दिख रहा है। हाँ।
पहले यहाँ गोभी था, ए में गोभी था, उधर भी गोभी था, तो खत्म हो गया ना। ये खाना बना रहे हो क्या? नहीं नहीं, हल्दी को भापा रहे हैं, उबाल रहे हो। हाँ, सब्जी के लिए काम आएगा, ये सब्जी के लिए इधर काम नहीं आएगा। ये क्या हो गया जो? नहीं, कच्चा है, ये कच्चा है, इसको फेस वॉश में लगाने का और नहाने से टाइम ये ठीक काम आएगा। ये ऐसा रियल वाला नहीं मिलता है और बहुत टाइम होता है तो निकलता है ये। ठीक है अंकल। तो दोस्तों मुझे तो हल्दी दे दिए हैं और यहाँ मिर्ची भी है, लेकिन यहाँ मिर्ची नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ है, देखिए यहाँ मिर्ची भी है। तो इतना ही कमाया है तो मैं यहाँ से विदा ले चुकी हूँ। बोल दी हूँ कि मैं चलती हूँ अंकल बोल के, तो हाँ बोले हैं तो मैं यहाँ से चलती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से तो अभी निकल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ का पेड़ पौधा देखिए कितना हरा भरा जंगल है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। और वो पानी देखकर तो मुझे डर बहुत ही डर लग गया थोड़ा सा। लेकिन आज का ब्लॉग इतना ही था, तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और मुझे प्योर वाला हल्दी भी मिल गया और अंकल आंटी से बात के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उन लोग का स्टोरी कुछ अलग है। अंकल बहुत छोटे थे, उनको 2 क्लास में भर्ती किए थे और उसके बाद पढ़ाई छोड़ के उनके मम्मी पापा ये खेती बाड़ी चास करते थे, तो वो भी इसलिए किए हैं और उनके बेटे लोग को पढ़ा रहे हैं। तो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा कमाई नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बोल के बोलते हैं। तो दोस्तों हेल्प करने के लिए आपको और ग्रीन सब्जी खाने के लिए हो तो यहाँ भेरा आइए और यहाँ आंटी अंकल से आप खरीद सकते हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, बाय।